नूर का फोन आया था, हिचकियां लेके रो रही थी, वो बात नहीं की जा रही थी उससे ठीक तरीके से। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? नीमा आपको एक तोहफा दिया था? हाँ दिया था। तुम्हारी बहन के कहने पर उसने वो वापस भी किया? अशरफ वो 14-15 लाख का सोने का सेट था और इमाम ने अतिया के कहने पे वापस नहीं किया। आप हर बात अतिया पर क्यों डाल देते हैं? और जब मैडम फारूकी ने इमाम को जहेज देने की बात की थी, अतिया के कहने पर आपने इनकार किया? बताएं ना मुझे। और इमाम भी आपकी ही बेटी है, वो नूर का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए इतना कीमती गिफ्ट उसने नहीं रखा। खैर, तुम्हारी बहन ने एक और नया ड्रामा रचाया है। अरसम दफ्तर जाना चाहता था, मगर तुम्हारी बहन अरसम और नूर को बिजनेस और घर से दूर रखना चाहती है। उसने ड्रामा रचाया, बेहोश हो गई और फिर बेगम साहिबा और साहिब उसे अस्पताल ले गए। अरसम का सारा काम चौपट हो गया। या अल्लाह, इतिया बेहोश हो गई थी और अशरफ आप मुझे अब बता रहे? या अल्लाह, मैं उससे फोन करके उसकी तबीयत का पूछूं? हाँ जाओ, जल्दी से उसको फोन करो। तुम्हारी बहन उस घर पर कब्जा कर नूर को नौकरानी बनाकर रखना चाह रही है और उसकी ये अहमखाना ख्वाहिश अपने साथ साथ नूर को भी उस घर से निकलवाएगी। तुम्हें अब घर रहना है, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। अतिया खैर से उम्मीद से है, तो अब तुम्हें अतिया के साथ साथ किचन को भी संभालना है। मैं अतिया का ख्याल रखूं? ऐसा सोचना भी मत मैडम फारूकी साहिबा। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई, ख्वाब और हेलो इमाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है, लेकिन पहले ये बताओ कि जुनैद का कैसा रवैया है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा, यूं जैसे माजी में जो कुछ भी हुआ वो भूल गए हो उसे। अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो कई खदशात ने घेर रखा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जुनैद बिल्कुल बदल चुके हैं, बल्कि रोजो ने अदा कर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। किससे शिकायत लगाई जा रही थी? मतलब शिकायतें, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना है तुम किसी को कह रही थी कि जुनैद बदल गए। क्या बदल गया? कब वादा किया था तुमसे मोहब्बत का जो पूरा नहीं किया?